अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, ये है YMRF TV कर्नाटका। मैं हूँ आपका मेज़बान जर्नलिस्ट डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल वहाब, कर्नाटकी। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, तुम जितना दबाओगे उतना ही बपा होगा। पिछले कई दिनों से मुल्क भारत में और खुसूसन रियासत कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। पिछले दिनों हिजाब को लेकर हंगामा किया गया, उसके बाद हलाल कट झटका कट को लेकर बजरंग दल के कारकुनान ने घर घर मुहिम चलाकर हिंदुओं को उकसाया कि सिर्फ हिंदुओं के दुकानों ही में ख़रीदारी करें, और भाईचारे की जो परंपरा चल रही थी हिंदुओं के यात्राओं में मुस्लिम दुकानें लगाने और तिजारत करने की पाबंदी लगाकर भाईचारे को ठेस पहुंचाया गया। क्या मुसलमानों ने कभी किसी उर्स या किसी भी त्यौहार में हिंदुओं की तिजारत का बायकाट किया था? लेकिन एक जमात है जिसका नाम है बजरंग दल। ये जमात कट्टर हिंदुओं की जमात है और इस जमात को कट्टर हिंदुत्व की जमात के नाम से मशहूर किया गया है। इस जमात का काम ही यह है कि रियासत में अमन और शांति को भंग करना, मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं में नफरत फैलाना। इस जमात को बीजेपी और VHP की पुश्त पनाही हासिल है और इस जमात को बीजेपी अपने हिंदू वोट बचाने में उनका इस्तेमाल भी करती है। यही वो जमात है जो रियासत के माहौल को हिंदुत्व के नाम पर ख़राब कर रही है। अब एक नया एजेंडा लेकर खड़ी है अजान बायकाट के नाम से, और मौजूदा हुकूमत को आने वाली 13 तारीख तक की चेतावनी भी दी है कि बजरंग दल ने हुकूमत को ये चेतावनी दी है, अगर मस्जिदों से माइक नहीं निकाले जाएंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जबकि अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, लेकिन कई मर्तबा बजरंग दल के लीडरान ने कहा कि ये मुल्क हिंदुओं का मुल्क है, जबकि ये कानूनन खिलाफ है। नाज़रीन, मैं इन हालात को एक अलग सोच से देखता हूँ। पिछले दिनों हिजाब का मामला लीजिए, कितने माँ बहनें थीं जो बेपर्दा घूमती थीं। हिजाब का मसला उठने के बाद वो भी हिजाब पहनने लगी। उलमाए किराम मेंबरों से हलाल खाओ हराम से बचो पुकार पुकार कर कहते थे, कोई सुन नहीं रहा था। काली सामी के नाम से एक शख्स मशहूर है, उसने हलाल और हराम की पहचान करा डाली। और तो और, काली स्वामी ने मंदिर में बैठकर ये कहने पर मजबूर हुआ कि मुसलमान हलाल खाता है और हराम से हमेशा बचता है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ही इनको हमारी इस्लाह के लिए ऐसा करवा रहे हैं। इसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ हम ये भी अपील करते हैं कि इन हालात में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। अब हुकूमत को चाहिए कि ऐसे मामलात जो उठ रहे हैं उन मामलात की रोकथाम करें। अमन और शांति को भंग करने के जो असबाब हिंदुत्व और बजरंग दल के तरफ से जो पेश किए जा रहे हैं उनकी रोकथाम की कोशिश करें, इसलिए कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हर शहरी को अमन शांति और सौहार्द का मामला हर एक शहरी को वो इनायत करे, वो दें, इसलिए ये हुकूमत का काम है। नाज़रीन, आइंदा हम देखेंगे कि हुकूमत इन मामलात को किस नज़रिए से देखती है और इन पर क्या कार्रवाई करती है। आज के लिए बस इतना ही, आइंदा फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, चलते चलते हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, हमारे YouTube चैनल YMRF TV कर्नाटका को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को हर एक तक पहुंचाकर हमारा ताउन करें।